रोहतास जिले के सुआरा गांव में धान के खलियान में भीषण आग लग गई। बताया जाता है पास के बिजली के खंभे में हुई शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी के कारण आग लग गई। ग्रामीणों के लाख प्रयास के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका, जिसके बाद दमकल की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची और आग को बुझा दिया गया। आग इतनी भीषण थी कि आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। डेहरी के अंचलाधिकारी और स्थानीय पुलिस ने दलबल के साथ पहुंचकर स्थिति को संभाल लिया। किसानों ने बताया कि आग लगने के कारण 2 से 2.5 लाख की फसल जलकर राख हो गई, जिस पर अंचलाधिकारी ने बताया कि किसानों को उनके हुई नुकसान के लिए समुचित मुआवजा दिलवाने की कोशिश की जाएगी। मुआवजे की बात है तो एज पर रूल जो भी होना है वो सारा कुछ किया जाएगा और बहुत जल्दी किया जाएगा। और इनफैक्ट इसके लिए तो हम लोग अभी एक दमकल आया हुआ है और दूसरे थाना से भी हमारे SHO पूरी कोशिश कर रहे हैं, 2 और थाना है उसे भी बुलवाने की, और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है कि जल्दी से जल्दी ये कैसे कर होगा। कितने के नुकसान की आशंका लग रही है? फिलहाल आग बुझाने की बात करते हैं। एक शॉर्ट से आग लगी है। कितने किसानों का खेत है लगभग? यहाँ 10 आदमी का धान था जो पंजा हुआ था, 4-5 आदमी को धान, जो 2-3 आदमी का धान दमा हुआ था वो भी जल गया है, जला हुआ साया हुआ धान जल गया है, और 8-10 आदमी का गला जो है करीब 2-2.5 लाख का धान था उसमें सब जल गया है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ थोड़ा घुमा कर देख लीजिए। दमकल गाड़ी टाइम से पहुंची थी? नहीं, पूरा जल गया। आप लोग पूछेंगे, आप लोग से पूरा जल गया तब दमकल का गाड़ी पहुंचा। करीब 200 बार फोन करने के बाद ग्रामीण 200 बार फोन किए हम लोग, सब देखिए चप्पल पर जलाए थी मैं, सब जल गया है बुताने में। उसके बाद तब गाड़ी बहुत देर के बाद सब जलने के बाद अभी राख बुताने के लिए केवल आई है। कितना लगभग नुकसान हुआ होगा आप लोगों का? सर 2.5 लाख की लपेट में सब किसानों का होगा, सबका मिलाकर 2.5 लाख का थी। नाम क्या हुआ आपका? नाम धर्मेंद्र जाट। रोहतास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट।